अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं तो ईस्ट एशिया में स्थित साउथ कोरिया आपके लिए एक आइडियल प्लेस बन सकता है, जहां पर आप ब्यूटीफुल बीचेस, अर्बन सिटीज, स्काईस्क्रैपर, मैजिकल माउंटेन, बुद्धिस्ट टेंपल, एडवेंचर एक्टिविटीज, कल्चर विलेजेस, हिस्ट्री, फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। साउथ कोरिया कोरियन पॉप कल्चर, कोरियन मूवीज और कोरियन फूड के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। सो इस वीडियो में मैं आपको साउथ कोरिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि साउथ कोरिया कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा साउथ कोरिया घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप साउथ कोरिया का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, जो कि साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिटी भी है। साउथ कोरिया की लैंग्वेज कोरियन है। साउथ कोरिया की करेंसी कोरियन रिपब्लिक वॉन है, जो कि एक इंडियन रुपी 17 कोरियन वॉन के बराबर होता है। साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग प्लास्टिक सर्जरी काफी करवाते हैं। साउथ कोरिया में बच्चे का जन्म होते ही उसे एक साल का माना जाता है। साउथ कोरिया पार्टी लवर्स के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पर आप पब्लिकली भी अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। साउथ कोरिया आने के लिए आप सियोल आ सकते हैं। सियोल में इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ की फ्लाइट आप ले सकते हैं। फ्लाइट आपको इंडिया के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिल जाएगी। दिल्ली से सियोल आने जाने की फ्लाइट आपको 40 से 45 हजार रुपए के बीच में पड़ेगी। फ्लाइट बुकिंग कराने के बाद आप साउथ कोरिया का वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीजा लेने के लिए आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और 2800 रुपए वीजा की फीस रहती है और 5 से 8 वर्किंग डेज वीजा आने में लगते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो साउथ कोरिया एक ठंडी कंट्री है, सो स्प्रिंग मंथ्स अप्रैल टू जून और ऑटम मंथ्स सितंबर टू नवंबर बेस्ट टाइम रहता है साउथ कोरिया घूमने का। होटल की बात करें तो साउथ कोरिया में एवरेज होटल आपको 1000 से 2000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। साउथ कोरिया में आप बस, मेट्रो और टैक्सी से घूम सकते हैं। बस से सिंगल जर्नी आप 70 रुपए में कर सकते हैं। मेट्रो सबसे अफोर्डेबल और फास्टेस्ट मोड है साउथ कोरिया घूमने का। मेट्रो की सिंगल जर्नी आप 60 रुपए में कर सकते हैं। टैक्सी की बात करें तो टैक्सी का बेस फेयर 200 रुपए से स्टार्ट होता है, बाकी पर किलोमीटर चार्जेस लगते हैं। सो सबसे पहले आप सियोल में घूमने जा सकते हैं एन सियोल टावर, जो कि एक लैंडमार्क अट्रैक्शन है सियोल की। ये टावर 237 मीटर ऊंचा बना हुआ है। इसमें 3 ऑब्जर्वेशन डेक हैं और 6 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इस टावर के टॉप पर जाने की टिकट 915 रुपए रहती है और आप सियोल सिटी का एरियल व्यू यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप ग्योंगबोकगंग पैलेस जा सकते हैं, जो कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल हिस्टोरिक रॉयल पैलेस है और मस्ट विजिट प्लेस है साउथ कोरिया की। यहां पर आप गाइडेड और ऑडियो टूर भी ले सकते हैं। इस पैलेस की टाइमिंग 9 AM से 5 PM रहती है और ट्यूसडे को छोड़कर ये पैलेस पूरा वीक ओपन रहता है और 170 रुपये इसकी एंट्री फीस रहती है। नेक्स्ट आप नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया जा सकते हैं। यहाँ पर आप कोरिया की फाउंडेशन, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोरिया देख सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग 10 AM से 6 PM रहती है। नेक्स्ट आप लोटे वर्ल्ड टावर जा सकते हैं, जो कि 123 मंजिला बिल्डिंग है। ये दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर आप एम्यूजमेंट पार्क, मॉल, म्यूजियम, एक्वेरियम, लग्जरी होटल, स्काई ब्रिज एक्सप्लोर कर सकते हैं। 122वें फ्लोर पर आप सियोल का 360 व्यू एंजॉय कर सकते हैं और 123वें फ्लोर पर आप स्काई लॉन्ज एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप डोंगडामून डिजाइन प्लाजा जा सकते हैं, जहां पर आप मॉल्स, म्यूजियम, आर्ट हॉल, डिजाइन लैब, डिजाइन मार्केट और हिस्टोरिकल एंड कल्चर पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस प्लाजा में 25 से ज़्यादा शॉपिंग मॉल हैं और 3000 से ज़्यादा स्पेशलिटी स्टोर्स बने हुए हैं। शॉपिंग के लिए आप म्योंगडोंग जा सकते हैं, जहां पर आप फैशन शॉप्स, ब्रांड शॉप्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्ट्रीट फूड, कैफेज और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ये सियोल की लोकल मार्केट है। और आप सियोल में गोंगरियोंग ब्रिज, जोगेश्वर टेंपल, बुद्धिस्ट टेंपल, ब्लू हाउस, इटावॉन फॉर नाइट लाइफ, बकन विलेज टूर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 दिन सियोल में स्पेंड कर आप जीजू आइलैंड टूर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर आइलैंड है साउथ कोरिया का। यहां पर आप वाइट सैंड बीचेस, पाइन फॉरेस्ट, वोल्केनिक माउंटेन, लावा केव्स, सनराइज पीक, हेलासंग नेशनल पार्क और वाटरफॉल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बसन सिटी जा सकते हैं, जो कि साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। बसन में आप ह्यूंडे बीच, गैमचॉन कल्चर विलेज, सी लाइफ एक्वेरियम, हेडोंग योंगनसा फिश मार्केट, नेम्पोडोंग मार्केट, वैगन गली बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। बसन सिटी में आप 1.5 से 2 दिन स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नामी आइलैंड डे टूर कर सकते हैं। नामी आइलैंड में आप बीचेस, गार्डन, रेल बाइक, रिवर्स, विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये 10 से 12 दिन का टूर रहता है और 6500 इसकी कॉस्ट रहती है, जिसमें लंच, फेरी, साइट सीइंग टिकट्स इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट आप नेशनल पार्क टूर कर सकते हैं। ये टूर आपका 10 से 12 घंटे का रहता है और 5000 तक इसकी कॉस्ट आती है, जिसमें साइट सीइंग, पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम होटल और लंच इंक्लूड रहता है। सेम वे आप स्योर्कसैन नेशनल पार्क का टूर भी कर सकते हैं, जो कि काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है साउथ कोरिया की। और आप साउथ कोरिया में ड्वेंगम पार्क, बिफ स्क्वेयर, वोल्मिडो आइलैंड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। फूड की बात करें तो साउथ कोरिया में मोस्टली आपको नॉन वेज फूड ही मिलेगा। वेज फूड के आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे, पर आप कस्टमाइज मील भी बनवा सकते हैं विदाउट नॉन वेज स्टफ। कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको सियोल में देखने को मिल जाएंगे, वहां पर भी आप फूड ट्राई कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो 600 से 700 रुपए आपका एक मील का खर्चा आ सकता है। सो साउथ कोरिया जब आप जाएं तो सिम जरूर ले लें, क्योंकि आपको लैंग्वेज का इश्यू आएगा। सो आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हो। सिम आपको 1000 से 1500 रुपए में 4-5 to 7 डेज के लिए मिल जाएगा। ऑफलाइन मैप भी आप अपने फोन में डाउनलोड कर लें। सो अब बात करते हैं बजट की। सो साउथ कोरिया घूमने के लिए आपको मिनिमम 7 दिन चाहिए होते हैं। सो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो 2000 रुपए पर डे के हिसाब से होटल का खर्चा 14000, सो 7000 रुपए पर पर्सन। साइट सीइंग का 20000 रुपए पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन का 15000 रुपए पर पर्सन, मील्स का 13000 रुपए पर पर्सन, फ्लाइट का 45000 रुपए पर पर्सन और वीजा का 3000 रुपए पर पर्सन और अदर एक्सपेंस 10000 रुपए पर पर्सन तक खर्चा आ सकता है। सो इस तरह से आप 110000 से 120000 रुपए में 7 डेज का साउथ कोरिया का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।